चूंकि कार्यक्रम ये शुरू हुआ है और इसको लेकर आपने देखा कि बहुत पॉलिटिकल कमेंट्स भी आए, कांग्रेस पार्टी ने ये भी एक तरीके से मजाक भी उड़ाया इस छोटे से रोड शो का प्रधानमंत्री की, और कहा कि ये सब राहुल गांधी से डर करके बीजेपी को आयोजित करना पड़ा है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी हालांकि पार्टी आयोजित करती है, हर पार्टी अपने ऐसे छोटे बड़े कार्यक्रम करती रहती है। अब बीजेपी क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ता दल है, सत्ताधारी दल है, तो इसीलिए उसके कार्यक्रम की शायद चर्चा ज़्यादा होती है। मेहमानों के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राकेश जी स्वागत है आपका। अतुल पाटिल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अतुल जी स्वागत है आपका भी। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और राशिद किदवई साहब। हर्षवर्धन जी और किदवई साहब आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत में त्रिपाठी साहब आपसे करना चाहता हूँ, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि क्या क्या चर्चाएँ हो सकती हैं इस कार्यक्रम में। देवेंद्र खबर रखते हैं पॉलिटिक्स पर अंदर की, लेकिन आपके विरोधी जो हैं भी पाटिल साहब की पार्टी, वो ये कह रही है कि ये सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 2-3 महीने से चर्चा में केवल राहुल गांधी हैं, कोई हेडलाइन बना नहीं पा रही बीजेपी। और खासकर गुजरात के चुनाव के बाद तो सब जहां देखिए राहुल गांधी की चर्चा, वो तो 4,000 किलोमीटर चले, प्रधानमंत्री आज 500 मीटर का रोड शो कर रहे हैं। ये सौरभ जी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली का होना बहुत आवश्यक है कि किसी भी राजनीतिक दल में उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, उसके राष्ट्रीय अधिवेशन हो, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर के विमर्श हो। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय राजनीति में इस समय अन्य राजनीतिक दलों में इस लोकतांत्रिक प्रणाली का पूरी तरह से लोप हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा है जो नियमित अंतराल पर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अपने प्रदेशों में प्रांतों की कार्यकारिणी की बैठक, उन नेताओं के साथ परामर्श, मुद्दे आधारित बातचीत, अपने राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य पर प्रस्ताव और अपने समीचीन विषयों पर पार्टी के भीतर खुल करके चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोई पहली बार हो रही है ऐसा नहीं है। नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें पहले से ही शेड्यूल होती है और हर बैठक के बाद ये बैठक का एजेंडा क्या होगा, बैठक में कौन कौन लोग बोलेंगे, ये सारा ड्राफ्टिंग पहले से होती है, उनमें चर्चा होती है, विमर्श होता है, जो प्रस्ताव निकल आते हैं वो प्रस्ताव भी मीडिया के साथ हम साझा करते हैं। बहुत सारी बातें आपके रिपोर्टर ने जो कही वो निश्चित तौर पर पूरी सत्य है। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी में ये कल्चर पूरी तरह से समाप्त हो गया। कांग्रेस पार्टी में भी एक समय ऐसा था जब अधिवेशन होते थे, अभ्यास वर्ग होते थे, प्रशिक्षण वर्ग होते थे, जब वहां पर भी चर्चा होती थी, लेकिन पूरी तरह से जब परिवार को समर्पित होकर के पार्टी रह गई है तो उन लोगों को निश्चित तौर पर यह अनूठा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में यह कैसे हो रहा है, इतने बड़े बड़े नेता बैठ करके एक दूसरे को सुनते कैसे हैं। वहां तो केवल एक ही संवाद होता है कि राहुल जी बोलेंगे, सोनिया जी बोलेंगी, केवल परिवार के ही एक व्यक्ति बोलेंगे और बाकी सारे लोग वाह 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 करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सभी, कोई प्रस्ताव रखेगा, कोई इसका समर्थन करेगा, कोई इसमें प्रतिरोध होगा, कोई आपत्ति होगी तो आपत्तियां दर्ज कराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को बोलने का मौका इसलिए मिला क्योंकि त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी को बोलने के लिए इसलिए मौका मिला, उनका यह कहना है कि 500 मीटर का रोड शो दिल्ली में करके बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है। उनका कहना है कि ये असुरक्षा दिखाता है पार्टी की और प्रधानमंत्री की, और ये मजाक है रोड शो के नाम पर जो किया है। नहीं, ये रोड शो नहीं है, ये परंपरा में रहता है। जब भी इस तरह के बड़े आयोजन के कार्यक्रम होते हैं तो इस प्रकार की परंपरा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी के जो शीर्ष नेता होते हैं वो इस प्रकार के रोड शो, शोभा यात्रा जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार से करते हुए कार्यक्रम स्थल तक जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आप जब भी इससे पहले हमारी बैठकें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होती है, राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, चाहे वो गोवा में हो, भुवनेश्वर में हो, देश के अलग अलग स्थानों पर, लखनऊ में, जब भी होते हैं तो ये एक परंपरा के रूप में रहता है। ये कोई नवाचार कोई पहली बार किया है, ये हो सकता है कि अतुल जी ने पहली बार देखा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल उनको हो रही है, वो हर बात को कैसे घुमा फिरा करके राहुल गांधी जी तक कैसे ले जाएं। इस बात का प्रशिक्षण बाकायदा कांग्रेस के नेताओं को दिया जाता है कि कोई भी बात हो, किसी तरह की बात हो, हर बात को घुमा करके राहुल गांधी जी की यात्रा पर लेकर के आए। अच्छा। जबकि सच्चाई यह है कि 9 दिन चले 2.5 कोस की अवस्था हो गई है। राहुल गांधी की इतनी यात्रा के बाद भी उनकी जो छवि बदलने का प्रयास था ना, वो छवि बदली नहीं, और मस्खरे के तौर पर, हंसोड़ के तौर पर जब जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस दिन मनोरंजन जगत अपने आप को समृद्धशाली महसूस करता है कि कोई ऐसा नया नई बात कहेंगे जिस पर दिन भर चुटकुले मीम्स बनते रहेंगे कि राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी जी को मार दिया, तमाम प्रकार की ऐसी बातें करते हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह इस बात की तुलना करना ये बिल्कुल, इसका आपने जो शब्द इस्तेमाल किया इसका जवाब अतुल जी दे बेहतर है। आपने कहा कि कांग्रेस की कोशिश यह है कार्यक्रम बीजेपी का, उसको भी राहुल गांधी से जोड़ दो। अतुल जी, नहीं, ऐसा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री राहुल जी से प्रेरित होकर यात्रा करते हैं, भले इतने दूर का इतना लंबा फासला उन्होंने तय किया, टीवी पर मुझे देख रहा हूँ, 2 घंटा हो गया मैं देख रहा हूँ, तो काफी लंबा फासला लग रहा था, मैचिंग मैचिंग था काफी, वो 12 करोड़ का रेंज रोवर गाड़ी, वो भी ब्लैक,
और प्रधानमंत्री जी के जो कपड़े हैं वो भी मस्त एकदम मैचिंग मैचिंग अच्छा लग रहा था वो, यानी मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो उन्होंने जो कहा हमारे मित्र ने शोभा यात्रा, हाँ हाँ ये शोभा यात्रा ही है ना, सही कहा उन्होंने, लेकिन ऐसी शोभा यात्रा मैंने पहली बार देखी है, क्योंकि एक बार 8-10 किलोमीटर चले थे, अंतिम यात्रा थी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पसीना पसीना हो गए थे, तो ये जो है ये शोभा यात्रा थी, उन्होंने अच्छा हुआ बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद ही कह दिया ये शोभा यात्रा थी, कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है। तो जितने झूठ है, आपने जितने झूठ राहुल जी के बारे में गड़े है, वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाया है जनता में, ये भी आपने देखा है बिल्कुल। यानी स्मृति ईरानी जी ने जो चिढ़कर बौखलाहट में कहा था कि विवेकानंद जी के स्मारक पे नहीं गए थे, फिर उसका वीडियो आया, फिर टी शर्ट के बारे में बात हुई, फिर शूज के लेस के बारे में बात हुई, ऐसे कितने सारे बातें हैं जो बात हुई, लेकिन अच्छा लग रहा है कि अगर वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा नड्डा जी की भी बात हो, राजनाथ सिंह जी की भी बात हो, उनकी भी बारे में बात हो, वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करें मन की बात छोड़कर, अच्छा लगेगा। अगर उनको ऐसा, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता के साथ की बातचीत की भी हो जानी चाहिए, वो भी 8-9-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी की हो चुकी है, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो अच्छा लगेगा ना, दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के साथ बात करनी चाहिए, 500 मीटर का रोड शो हुआ तो क्या हुआ, वो भी लंबा ही रोड शो है ना। अच्छा देखिए, इन्होंने राहुल जी के बारे में बोला, आपने प्रधानमंत्री के बारे में बोला, व्यक्तिगत टिप्पणी से आगे बढ़ते हुए एक बात दिख रही है साफ, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियां पूरी तरीके से अब इलेक्शन मोड में आ चुकी है। शायद बीजेपी पहले से तैयारियां कर ही रही होगी, लेकिन एक पब्लिक इवेंट जो है वो जरूर हमें दिखाई दिया है, प्रधानमंत्री जब दिल्ली में इस ऐसे कार्यक्रम में हमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं, और राहुल गांधी तो अब यात्रा निकाल ही रहे पिछले कई महीनों से। हर्षवर्धन जी के पास जाना चाहते हैं, हर्षवर्धन जी, तो माने अब देश भी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गया। देखिए सौरभ जी, अभी आज ही सुबह किसी ने मुझसे कहा कि चुनाव पहले होते थे तो जिस वर्ष में लोकसभा के चुनाव रहते थे तो उस वक्त हम लोग उस मोड में जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा परिपाटी राजनीति की बदली और हम मीडिया वालों को भी थोड़ा सा बदल दिया है कि देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है और हम लोग अभी से उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज का ये जो रोड शो कहा जा रहा है और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, इसको थोड़ा देखने समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन पे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के पूरे 2024 के कैंपेन को लीड करेंगे, ये तो सामने दिख ही रहा है। मुझे जरा बस 30 सेकंड दें, हर्षवर्धन जी मैं आता हूं, अंदर की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं कन्वेंशन सेंटर के, प्रधानमंत्री मंच पर हैं, उनके साथ हैं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो पार्टी के प्रेरणा स्रोत हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी, उनकी तस्वीरों के सामने उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं, अब एक दीप उन्होंने प्रज्वलित किया है, तो अंदर की तस्वीरें आई हैं जैसा, लेकिन अभी बता रहे थे हमारे साथी देवेंद्र पराशर कि एक तस्वीर तो कुछ एक अंदर से आ सकती है, लेकिन इसके अलावा अंदर जो बातचीत होती है वो केवल पार्टी के बीच होती है। ऐसे ही पिछली बार जब हैदराबाद में ऐसी बैठक हुई थी तो ये बाहर आकर पार्टी के लोगों ने बताया था कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला, लेकिन प्रधानमंत्री की बात जो है वो एक्चुअली टेलीकास्ट नहीं होती है, उसका कोई वीडियो जो है वो सामने नहीं आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।